وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَأْتَلِ और कसम ना खाएं। ये जो या तली है, ए तला या तली, कसम उठाना कहते हैं कि इसका जो मादा, ये जो इब्तदाई लफ्ज है वो अलिया है। अलिया अलिया से है ए तला या तली। अलिया का माना कसम उठाना। तो वला या तली, तुम में से कोई कसम ना उठाए। कौन? उलुल फदल मिनकुम वस्सा, जो तुम में से फदल वाले हैं, खुशहाली वाले हैं, वस्सा और फराखी वाले, जिनको अल्लाह ने फराखी और खुशहाली दी है वो कसम ना उठाएं। अय्यूतू उलिल क़ुरबा वल मसाकीन वल मुहाजिरीन फ़ी सबीलिल्लाह, ये कि वो दिया करें रिश्तेदारों को, मिस्किनों को और अल्लाह के रास्ते में हिजरत करने वालों को वो दिया करेंगे। इस बात की कसम ना उठाएं कि वो आइंदा नहीं दिया करें। वलियाफ़ू वलियस्फ़हू, लाजिम है कि मुआफ़ करें, लाजिम है कि दरगुजर करें। अला तुहिब्बूना, क्या तुम ये नहीं चाहते, अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम, कि अल्लाह तुम्हारी मग़फ़िरत कर दे? क्या तुम ये नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हें माफ़ कर दे? अल्लाह से माफ़ी की तुम चाहत रखते हो, तो फिर ये जो गरीब मिस्कीन है इनको तुम भी माफ़ कर दिया करो। इनको देने से कसम ना उठाया करो कि मैं आइंदा नहीं दूंगा। वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम, और अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला, हमेशा रहम करने वाला है। मामला ये हुआ, ये भी उसी वाक़े के साथ जुड़ा हुआ है अपने स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में। मामला ये हुआ कि मिस्ताह बिन उसासा, जिसके बारे में पहले भी बात हो चुकी कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के करीबी रिश्तेदार थे, जो बाज़ लोगों ने कहा खालाजाद भाई थे, और बाज़, जो मैंने आपको बुखारी शरीफ की हदीस का हवाला भी दिया, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का, कि ये दरअसल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खालाजाद बहन के बेटे थे। तो बहरहाल करीबी रिश्तेदार थे। अब इन्होंने जो प्रोपेगंडा हुआ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ख़िलाफ़, उसमें जो ख़ास, जो चंद मुसलमान उस प्रोपेगंडे का शिकार हुए थे, उसमें ये मिस्ता बिन उसासा भी था। बाद में जब हद कज़फ़ इनके ऊपर लागू हो गई, इनको कोड़े भी लगे, क्योंकि गवाह नहीं लाए। चार गवाह लाना ज़रूरी है, अगर आप कोई भी खबर देते हैं तो चार गवाह लाना ज़रूरी है, ये नहीं ला सके, लिहाजा इनको कोड़े लगे। हद कज़फ़ इनके ऊपर जारी हुई। लेकिन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इतना दुख था, इससे पहले ये चूँकि गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला ने इसकी मदद किया करते थे, माली मदद किया करते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला ने कसम उठा ली कि आइंदा मैंने इसकी मदद नहीं करनी। ये ऐसा आदमी है, मैं इसकी मदद भी करता हूँ, और इसने ये भी ख्याल नहीं किया, और इसने मेरी बेटी के ऊपर जो इल्ज़ाम लगा था उसके बारे में प्रोपेगंडा किया है। तो ज़ाहिर है फितरी तौर पर हर शख्स के दिल में आता है, और उन्होंने तय कर लिया कि आइंदा मैंने इसको कोई इसकी मदद नहीं करनी। कसम ही उठा ली कि आइंदा कभी भी मैं इसकी मदद नहीं करूंगा। तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई कि जिनको अल्लाह ताला ने खुशहाली दी है, जिनको अल्लाह ताला ने फराखी दी है, वो इस बात की कभी भी कसम ना उठाएं कि वो रिश्तेदारों को, मिस्कीनों को और मुहाजिरीन, अल्लाह के रास्ते में हिजरत करने वालों को कभी नहीं देंगे। ये कसम कभी नहीं उठानी। अल्लाह अकबर, क्या उनका दिल नहीं करता? अला तुहिब्बूना अय्यग़फ़िरल्लाहु लकुम, क्या तुम्हारा ये दिल नहीं करता कि अल्लाह तुम्हें माफ़ कर दे तुम्हारे गुनाह? तो जिसका ये दिल करता है कि अल्लाह मेरे गुनाह मुझे माफ़ कर दे, तो उसको चाहिए कि वो लोगों को लोगों के गुनाह माफ़ कर दे। सादा सा उसूल है, जो चीज़ चाहिए वो देना शुरू कर दो, जिसको इज्जत चाहिए वो इज्जत देना शुरू कर दो। तकसीम करो लोगों में, जो चीज़ चाहिए वो तकसीम करना शुरू करो। अता करने वाला वो है। आपको इज़्ज़त चाहिए, आप इज़्ज़त तकसीम करना शुरू कर दें। आपको पैसा चाहिए, पैसा तकसीम करना शुरू कर दें। अता तो उसने करना है। आपको माफ़ी चाहिए अल्लाह से, आप लोगों को माफ़ करना शुरू कर दें। सुबहान अल्लाह। हमारे एक उस्ताद मोहतरम कहा करते थे कि सुबह जो घर से निकलें तो दोनों जेबें माफ़ी की भर के निकला करें, एक जेब में वो माफ़ियाँ हों जो आपने लोगों को देनी है और एक जेब में वो माफ़ियाँ हों जो आपने लोगों से मांगनी। जहाँ ज़रा सी गलती अपने से हुई फ़ौरन माफ़ी मांग ली और जहाँ ज़रा सी गलती किसी से हुई उसको फ़ौरन माफ़ कर लो, ताकि शाम को जब आप घर आएँ तो कोई चीज़ आपके ज़िम्मे ना हो, ना किसी की चीज़ आपके ज़िम्मे हो, ना आपकी चीज़ किसी के ज़िम्मे हो। फारिग हो के घर आ जाएँ ताकि अल्लाह भी आपको माफ़ कर दे। अल्लाह अकबर। अला तुहिब्बूना, क्या तुम इस बात को पसंद नहीं करते अन यगफिरल्लाहु लकुम, कि अल्लाह तुम्हारी सारी गुनाह माफ़ कर दे। जो ज़ाहिर है हम चाहते हैं कि अल्लाह माफ़ कर दे। तो उस पर कहते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फ़ौरन कसम तोड़ दी। अल्लाह अकबर। ये तो वैसे भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हदीस है, किसी शख्स ने अगर कसम उठाई हो, मन हलफ़ अला यमीनी, किसी ने कसम उठाई हो और फिर उसके बाद वो देखे कि जो उस कसम के वो जो दूसरी बात थी वो ज़्यादा बेहतर है, पहले कसम उठा ली और बाद में पता चला कि वो दूसरी चीज़ जो है ज़्यादा बेहतर है, फ़रआ गैरहा खैरम मिनहा, फिर उसने देखा कि जो दूसरी बात है उसके अलावा कसम जिसकी उठाई थी वो अच्छी नहीं, वो बेहतर नहीं, कोई और बात ज़्यादा बेहतर है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसको चाहिए कि वो अपनी फल्युकफ़िर अन यमीनिही, उसको चाहिए कि अपनी जो कसम है उसका कफ़ारा दे दे, वलयफ़अल, और वो काम कर ले। वैसे भी नेकी के काम की तो कभी कसम उठानी नहीं चाहिए कि मैं नहीं करूँगा, काम नेकी का हो कभी कसम नहीं उठानी चाहिए किसी भी वजह से गुस्से में आके कि मैं आइंदा ये नहीं करूँगा। और इसी तरह से कोई बुराई का काम हो उसको करने की कभी कसम नहीं उठानी चाहिए। लेकिन अगर कभी इंसान गलती से उठा लेता है, कसम उठा लेता है, तो कसम का कफ़ारा दे दे और वो काम कर ले जो नेकी का काम, और कसम का कफ़ारा दे दे और जो बुराई का काम करने का प्रोग्राम बनाया था उसके लिए कसम उठाई थी वो कभी ना कर। ये उसूल है शरीयत का। और ख़ास तौर पे फिर ये जो रिश्तेदार मिस्कीन और मुहाजिरीन हैं उनको ना देने की कसम उठा लेना कि मैं आइंदा नहीं दूंगा, किसी भी वजह से, कोई भी गुस्सा हो, ज़ाहिर ज़ाती तौर पर माशरती तौर पर रहते हुए बहुत सारी ऊँच नीच हो जाती है, रिश्तेदार बहुत सारे तकलीफ़ पहुँचाते हैं, तंगी देते हैं, मिस्कीन जो हैं वो साथ आपसे सदका ले जाते हैं, साथ आपके ख़िलाफ़ कोई ना कोई प्लानिंग में शरीक हो जाते हैं और बहुत तंग करते हैं, कभी आपका काम नहीं करते, कभी कुछ है कभी कुछ है, हज़ार किस्म की तकलीफ़ें होती हैं, जो मर्ज़ी होता रहे। और फिर अल्लाह के रास्ते में जो हिजरत करने वाले हैं, जो अल्लाह के रास्ते में सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गए, इनको देते वक्त कभी भी कोई भी मसला हो ये कसम नहीं उठानी कि मैं आइंदा नहीं दूंगा। ये एक तो इसमें इससे ये पता चला। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने फ़ौरन इस कसम को तोड़ा। और कसम को तोड़ने का कफ़ारा क्या है हम सूरतुल माइदा के अंदर पढ़ाए हैं। आमतौर पे ये कहा जाता है कसम को तोड़ने का कफ़ारा 3 रोज़े हैं। 3 रोज़े कफ़ारा नहीं है, 3 रोज़े कफ़ारा नहीं है। कफ़ारा है एक ग़ुलाम आज़ाद करना, या 10 मिस्किनों को खाना खिलाना, या 10 मिस्किनों को कपड़े पहनाना, ये है कफ़ारा। 10 मिस्किनों को खाना खिलाना, 10 मिस्किन औसत दर्जे का खाना जो आप खुद खाते हैं, या 10 मिस्किनों को कपड़े पहनाना, वो भी औसत दर्जे के कपड़े जो आप खुद पहनते हैं, या फिर एक ग़ुलाम आज़ाद करना, ये है कफ़ारा। ये 3 चीज़ें हैं जो कसम का कफ़ारा है। लेकिन जिस शख्स को, जो इस्लाम जो है किसी को बंद गली में नहीं छोड़ता, कि जिस शख्स को ये मुयस्सर ही ना हो, ना वो ग़ुलाम आज़ाद करने की कोई सलाहियत रखता है, ना उसके पास 10 मिस्किनों को खाना खिलाने का कोई बंदोबस्त है, ना वो कपड़े पहना सकता है, गरीब आदमी है, कुछ भी नहीं कर सकता, क्या करेगा? उसके लिए ये चैनल रखा है, रास्ता रखा है। इस्लाम बंद गली में किसी को नहीं छोड़ता, उसके लिए ये रास्ता है जो ये 3 चीज़ें ना पाए। कुरान ये कहता है जो इन 3 चीज़ों को हासिल ना रखता हो, उसके पास ये ना हो, वमन लम यजिद, जिसके पास ये 3 चीज़ें ना हो वो फिर 3 रोज़े रख ले। ये अल्लाह ताला ने एक रास्ता दिया हुआ 3 रोज़ों का। ये उसके लिए है जिसके लिए इन 3 बातों को हासिल करना मुमकिन ना हो। और जिसके लिए इन 3 चीज़ों में से कोई एक चीज़ हासिल करना मुमकिन ना हो, उसके लिए 3 रोज़े कफ़ारा नहीं है। तो जब भी किसी इस तरह की कसम इंसान उठा बैठे उसको तोड़ देना चाहिए और तोड़ के कफारा अदा करना चाहिए। और कफारा क्या है? 10 मिस्किनों को खाना खिला दें, या 10 मिस्किनों कपड़े पहना दें, या ग़ुलाम आज़ाद करने की आजकल तो कोई सूरत है नहीं। हाँ, एक सूरत हो सकती है कि कोई शख्स जो है वो किसी कत्ल में फंसा हुआ है, कत्ल केस में, और उसकी दियत अदा करके उसकी जान छुड़ाई जा सकती है, तो वो ग़ुलाम आज़ाद करने की सूरत हो सकती है आज के दौर में। आप अगर उसको मकतूल के जो वरसा हैं उनसे बात करके उसकी दियत अदा कर दें और उसकी जान छूट जाए उसके केस से, तो ये एक गर्दन आज़ाद कराने के मुतरादिफ है आज के दौर में। वरना ग़ुलामी आजकल है नहीं और कोई सूरत बज़ाहिर मुमकिन नहीं है। लेकिन बहरहाल ये 3 सूरतें हैं और इन 3 सूरतों में से कोई एक दे, ये कसम का कफ़ारा है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने जब ये आयत सुनी तो फ़ौरन सहाबाए किराम तो बस वो जो कुरान ने कहा है ना, वक़ालू समिअना व अताअना, उन्होंने कहा कि हमने सुना, फ़ौरन इताअत, बस उनका तो काम ये था। अल्लाह ताला हमें भी वैसा ईमान अता फ़रमा दे। इन्नल्लज़ीन यरमूनल मुहसनातिल गाफिलातिल मुमिनाति लुइनु फ़िद दुनिया वल आखिरा व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। बेशक जो लोग तोहमत लगाते हैं नेक ख़वातीन, पाक दामन ख़वातीन के ऊपर, अलगाफिलात बेखबर ख़वातीन, अलमुमिनात अहले ईमान में से ख़वातीन, मोमिन बेखबर, बेखबर से मुराद भोली भाली, जिनको पता ही नहीं किसी बात का। अब देखिए हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो बेचारी कहती हैं कि महीना भर मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा है। अंदाज़ा करें, वो बीमार हो गई, बाहर निकलना नहीं हुआ, तो कोई किसी ने जिक्र ही नहीं किया। खुद फरमाती हैं मुझे थोड़ा सा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रवैये में फ़र्क नज़र आता था कि मेरी बीमारी में तो जितना ख्याल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा फरमाते थे वो नहीं फरमा रहे थे। वो जितनी शफ़क़त आपकी मेरे ऊपर होती थी मैं उसमें कमी महसूस करती थी, लेकिन फिर भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाते थे और मुझसे पूछते थे तेरा क्या हाल है, मैं बता देती थी, फिर वो चले जाते थे और मुझे थोड़ी रवैये में नज़र आती थी कोई कमी, लेकिन ये नहीं पता चल सका कि हुआ क्या है। वो तो बाद में उम्मे मिस्ता के साथ जो बाहर गई हैं तो उम्मे मिस्ता ने सारी कहानी सुनाई कि जनाब ये है और तुम्हें पता ही नहीं है। और अंदाज़ा करें भोली भाली ख़वातीन, और ये स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में इसमें हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वाला मामला है, और उमूमी तौर पर पूरी दुनिया की जो मुसलमान ख़वातीन किसी के ऊपर भी अगर इल्ज़ाम लगा दिया, अल्लाह अकबर। तो चूँकि पीछे जो है आयत नंबर 4 के अंदर वल्लज़ीना यरमूनल मुहसनात के जो पाकदामन औरतों पर इल्ज़ाम लगाते हैं उनके ऊपर, और फिर वो गवाह नहीं लाते तो उनके ऊपर जो सज़ा है उनकी क़ज़फ़ की, कि थुम्मा लम यातू बिअरबात शुहदा, फिर वो 4 गवाह नहीं ला सकते, फजलिदू समानीन जल्दा, तो उनको 80 कोड़े मारो। तो ये 80 कोड़ों की सज़ा उन लोगों के लिए जो पाकदामन औरतों पर किसी भी तरह से इल्ज़ाम लगाते हैं। तो यहाँ पे ये बात नहीं कही, बल्कि यहाँ फरमाया है इन्नल्लज़ीना यरमूनल मुहसनातिल गाफिलातिल मोमिनात, जो इल्ज़ाम लगाते हैं, तोहमत लगाते हैं पाकदामन औरतों पर, भोली भाली और मोमिन औरतें, लुइनु फिद दुनिया वल आखिरा, दुनिया और आखिरत में उनके ऊपर लानत कर दी, अल्लाह, वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए बड़ा अज़ाब है। तो चूँकि जब हम इस स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में ख़ास तनाजुर में सियाक़ुसबाग में देखते हैं, तो चूँकि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर इल्ज़ाम लगाने वाले 2 तरह के लोग थे। एक तो वो थे जो प्रोपेगंडे का शिकार हुए, जिस जो मोमिन थे, मुखलिस मुसलमान थे, और एक वो थे जो मुनाफिक थे, या फिर उनके साथ कुछ और भी काफिर भी शामिल हो गए होंगे। ये लोग जो मुसलमान थे उनके लिए तो सज़ा आ गई, उनको तो सज़ा दी गई, और जो लोग मुसलमान नहीं हैं वो फिर भी इल्ज़ाम लगाते हैं तो वो उनको सज़ा मिले या ना मिले उनके लिए कोई माफ़ी नहीं। जो मुसलमान हैं उनके लिए माफ़ी हो गई, उनको सज़ा मिल गई और उन्होंने अगर तौबा कर ली है तो उनके लिए माफ़ी हो गई। और जो लोग मुनाफिक हैं, इससे मुराद अब्दुल्ला बिन उबई और उसके साथी, जिन लोगों ने माफ़ी की, अल्लाह से दरख्वास्त नहीं की, जिन लोगों ने तौबा नहीं की, और वो लोग जो हैं उनके लिए बताया जा रहा है कि ये इतना बड़ा गुनाह है, ये इतना बड़ा गुनाह है जो तौबा नहीं करता। क्योंकि हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मिस्ता बिन उसासा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हमना बिनते जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बावजूद इस बात के कि इनके ऊपर हद जारी की, इन्होंने तौबा की अल्लाह से, ये मुखलिस मुसलमान थे, लिहाजा उनकी तो अल्लाह ताला ने तौबा भी कबूल फरमा ली, उनकी तहसीन भी फरमाई। लेकिन ये जो लुइनु फिद दुनिया वल आखिरत, दुनिया में भी उनके ऊपर लानत की गई और आखिरत में भी लानत की गई, ये उस खास वाक़े के तनाजुर में, इससे मुराद अब्दुल्ला बिन उबई रईसुल मुनाफिकीन और उसके साथी, ये गोया दायमी लानत के अंदर है, उनके ऊपर अज़ाब अजीम है। अल्लाह ताला माफ़, इतना बड़ा गुनाह है ये अगर तौबा ना की जाए। وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, एक हदीस है, 7 मोहलक गुनाहों से बचो। ऐसे गुनाह हैं 7 जो इंसानों को, जो किस कोई भी शख्स गुनाह करे उसको वो हिलाक करना। इज्तनिबु सबअल मुबिकात, 7 हिलाक कर देने वाले गुनाहों से बचो। उसमें सबसे पहला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन से हैं 7 हिलाक कर देने वाले गुनाह? आपने फरमाया सबसे पहला है अश्शिर्क बिल्लाह, सबसे पहला गुनाह है अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहरा, ये हिलाक कर देने वाला गुनाह। दूसरा गुनाह है वस्सिह, जादू, जादू करना और कराना, ये इतना बड़ा गुनाह है। आजकल मशहूर तो ये है हमारे माशरे में, हर तीसरा बंदा कहता है मुझ पर जादू हुआ। देखे ना आप, अपने ख़ानदान में देख लें, अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्त अहबाब में, किसी भी अपने महल्ले में देख लें। परेशानियाँ, मसाइल तो हर दौर में होते थे, लेकिन आजकल तो हर तीसरा बंदा कहता है मुझ पर जादू हुआ है, चाहे उसका बुखार नहीं उतरता ना, वो कहता मुझ पर जादू हुआ। मैं ये कहता हूँ कि अगर जादू हुआ है, हमें तो नहीं पता हुआ कि नहीं हुआ, अल्लाह को मालूम। अगर हुआ है और हर तीसरे बंदे पर जादू है, तो करने वाला कौन है? वो भी हमारे मुआशरे में से है ना कोई। तो हमारे मुआशरे में जो 98% मुसलमानों का मुआशरा है, तो ये जो मुसलमान कहलाते हैं, इनमें से कोई जादू करता है? अगर हम हमारे दोस्त अहबाब में से और हमारे रिश्तेदारों में से, हमारे मिलने मिलानों में वालों में से कोई शख्स जादू कर रहा है, तो ये अगर हर तीसरे बंदे पर जादू हुआ है, तो इसका मतलब है हर तीसरा बंदा जादू करवा रहा। जाहिर है एक जादूगर, उसको तो सारी दुनिया से कोई क्या लेना देना है, किसी को कोई मसला होता है तो जादू करता कराता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, अगर हर तीसरा बंदा, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, सुम्मा नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, अगर हर तीसरा बंदा जादू करवा रहा है, तो जादूगर के बारे में तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि उसको जो है, उसकी सज़ा ये है कि दरबहु बिस्सैफ, उसकी सज़ा ये है कि उसका तलवार मार के गर्दन उतार, वो मुआशरे में रहने के काबिल नहीं। अल्लाह अकबर, चाहे वो जादूगर हो और चाहे जादूगरनी हो उसको। और अंदाज़ा कीजिए, अगर हमारे मुआशरे में सारे जादू कर रहे हैं, तो फिर शिरक कोई कर रहा है कि नहीं कर रहा? जादू अगर कर रहे हैं या जादू करवा रहे हैं, तो यही सबसे बड़ा गुनाह है, यही हिलाक कर देने वाला गुनाह है। ये उम्मत पता नहीं बची कैसे, ये मुआशरा बचा कैसे। अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए। वस्सेहर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए दूसरा गुनाह जो है वस्सेहर व क़त्लुन नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु बिल हक़, किसी ऐसी जान को कत्ल, ना हक़ किसी को कत्ल कर देना, ये भी गुनाह जो है वो हलाक कर देने वाला। व अक्लुर रिबा, सूद खाना, ये भी हिलाक कर देने वाला गुनाह है। और ये कैसा मुआशरा है जहाँ वफाकी शरई अदालत जो है वो सूद को ख़त्म करने का हुक्म जारी करती है, और मुआशरे में से लोग उठते हैं और अपील कर देते हैं कि नहीं नहीं हम नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर। और ये मुल्क जो इस्लाम के नाम पर लिया गया और जिसके आइन में शामिल है कि किताब और सुन्नत सबसे सुप्रीम लॉ होगा, और किताब और सुन्नत के मुताबिक सारे कवानीन होंगे, और 2 इदारे बनाए गए 1973 के आइन के तहत, वफाकी शरई अदालत और इस्लामी नजरियाती काउंसिल। और वो इसलिए बनाए गए ताकि मॉनिटरिंग की जाए और कभी कोई यहाँ पे कानून जो है इस्लाम के ख़िलाफ़ ना हो। इसके बावजूद हम सूद जैसे गुनाह से जिसको अल्लाह ने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जंग करार दिया है, हम उससे जान नहीं छुड़ा सकते। अकल और रिबा ये हिलाक कर देने वाला गुनाह है। कहते हैं पाकिस्तान के ऊपर खुशहाली नहीं आती। हिलाक होने का और मोहलक चीज़ों का बंदोबस्त तो हमने खुद किया हुआ। और फिर लोगों के पास दलाइल भी बहुत हैं कि जनाब ये वो गुनाह नहीं है, ये गुनाह नहीं है, उस दर्जे का नहीं है। अल्लाह, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये जो सूद है ना, इसके 70 दर्जे हैं। सूद के 70 दर्जे हैं। और जो सबसे छोटा दर्जा है ना, उसका गुनाह इतना बड़ा है जैसे कोई शख्स अपनी माँ के साथ बदकारी करे। तो जिस भी दर्जे का हो फिर सूद, आप अंदाज़ा कर लें किस दर्जे का सूद फिर काबिल कबूल है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो 7 हिलाक कर देने वाले जो गुनाह हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसमें वाकुल रिबा वाकुल माल यतीम, यतीम का माल खाना, ये भी हिलाक कर देने वाले गुनाहों में से है। वत्तवल्ली यौम ज़हफ़, जिस दिन जंग लगी हुई हो और दोनों फौजें, मुसलमानों की और गैर मुसलमों की फ़ौजें टकरा रही हों आपस में, तो उस दिन कोई शख्स मुंह फेर के भाग जाए तो ये भी हिलाक कर देने वाला गुनाह। वक़ज़्फ़ुल मुहसनातिल मुमिनातिल गाफ़िलात, ये है वो जो बात हमारे आज के मज़मून से मुताल्लिक़ है कि फरमाया कि जो पाक दामन भोली भाली मोमिन औरतें हैं उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा देना, तोहमत लगा देना, ये भी हिलाक कर देने वाले गुनाहों में से। अल्लाह अकबर, फ़लाँ ने ऐसे किया, फ़लाँ ने फ़लाँ कर दिया। और इस पे ये नहीं है कि ये सिर्फ़ ख़वातीन पर इल्ज़ाम लगाने से है। लेकिन ये बदकारी का गुनाह, बदकारी की तोहमत जो है, ये किसी पर लगती नहीं, किसी औरत पर, जब तक उसमें मर्द शामिल ना हो। लिहाजा मर्द का अलग से जिक्र नहीं फरमाया, ना कुरान में ना हदीस में। तो जब खातून पर, चूँकि खातून के ऊपर इस बदकारी की तोहमत के असरात ज़्यादा गहरे होते हैं और माशरती एतबार से उसको ज़्यादा नुकसान होता है, मर्द को भी होता है, औरत को भी होता है। इसलिए औरत का जिक्र फरमाया है और मर्द का जिक्र उसके अंदर शामिल है कि जाहिर है जब भी आप किसी औरत के ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे उसमें कोई मर्द शामिल होगा। और उस मर्द के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाना उतना ही गुनाह है जितना औरत के ऊपर इल्ज़ाम लगाना गुनाह है। और उसका अलग जिक्र सिर्फ इसलिए नहीं फरमाया कि जाहिर है कि ये फेल ऐसा है जो अकेले सर अंजाम नहीं दिया जा सकता, उसके साथ कोई ना कोई मर्द शामिल होता है। लिहाजा उन दोनों के ऊपर कोई भी इल्ज़ाम लगाना वो इसी तरह वो मोहलक है। और आजकल तो हालात इतने ख़राब हैं, अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए, मर्द ने क्या किसी औरत के ऊपर इल्ज़ाम लगाना है। आजकल के पाकिस्तानी क़वानीन देख लें, पाकिस्तानी मुआशरा देख लें, बल्कि पूरी दुनिया का कोई मुआशरा भी है उसमें इस सारे माशरे में जो अपर हैंड है वो तो औरत का है। औरत अगर किसी पर बदकारी का इल्ज़ाम लगा दे तो कोई उसके पास रेमेडी नहीं, यानी वो तो दुनिया को बताता फिरेगा भी ये झूठ है, ये झूठ है। कैसे साबित करे कि झूठ है? औरत जब किसी मर्द पर भुगत जाती है जाके कि ये इस मर्द ने मेरे साथ बदकारी की है या कोई भी गलत काम किया है, तो इस कानून के अंदर वो सबसे पहले तो उसकी गिरफ्तारी होगी। और वो अपनी बेगुनाही साबित कैसे करेगा? शायद चंद साल लग जाएंगे उसको बेगुनाही साबित करने में, शायद कभी ना कर सके। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लिहाजा ये नहीं है कि आप ये गुनाह जो है सिर्फ औरत के ऊपर इल्ज़ाम लगाने में, मर्द के ऊपर इल्ज़ाम लगाने में भी उतना ही गुनाह है। अल्लाह ताला माफ़ करे, और वो हिलाक कर देने वाला है। बल्कि एक हदीस में आता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पहली हदीस जो मैंने आपको सुनाई, इज्तनिबु सबअ सबअल मुबिकात, ये तो बुखारी शरीफ की हदीस है। और एक हदीस है जो मुस्तदरक के हाकिम के अंदर भी है और तबरानी वगैरह में, इन्ना क़ज़्फ़ल मुहसना, कोई शख्स अगर किसी एक पाक दामन औरत पर इल्ज़ाम लगाता है, लयहदिमु अमला मिअति सनत, वो उसके 100 साल के आमाल ज़ाया कर देता। अगर उसने किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया तो 100 साल का अमल ज़ाया होगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और हम इसको कोई समझते ही नहीं है। ये अल्लाह ताला माफ़ करे किस किस मकासद के लिए क्या कुछ इस माशरे के अंदर हो रहा है। ये गोया हमने अपने आप को, इस माशरे को, इस उम्मत को हिलाक करने का बंदोबस्त तो हमने खुद किया हुआ। और फिर हम कहते हैं कि अल्लाह की रहमत नहीं होती। अल्लाह की रहमत तो एक दिन में हो जाए। आप अल्लाह की फर्माबरदारी का अहद करें, हमारे हुक्मरान रात को अकेले में, तन्हाई में अल्लाह से अहद करें कि आज के बाद इस मुल्क में तेरी नाफरमानी हम नहीं करेंगे और ना होने देंगे। अब देखें फिर उस पर अल्लाह की रहमतें कैसी नाजिल होगी। कोई ऐलान करने की ज़रूरत नहीं, कोई टीवी पे आके कहने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह से अहद करें और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश शुरू कर दें, फिर देखें कितनी रहमतें होती हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक हद किसी मुआशरे में जारी हो जाए, एक हद, तो उस मुआशरे के अंदर इतनी बरकत नाजिल होती है जो 40 दिन की बारिश से नहीं होती। 40 दिन की बारिश से उतनी बरकतें नाजिल नहीं होती जितनी एक अल्लाह का कानून जारी कर देने से उस मुआशरे के अंदर रहमत होती है। मईशत तबाह हो गई, माशरत तबाह हो गई, क्या कुछ तबाह हो गया। कभी हम अल्लाह की तरफ रुजू करें तो हमारी ये तबाही ख़त्म हो। हमने तो तबाही का बंदोबस्त खुद किया हुआ है, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। तो फरमाया कि जो पाक दामन भोली भाली मोमिन औरतों के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, इससे एक और बात साबित हुई कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपके हरम में होने की वजह से, और आप और आगे अलखबीसात लिलखबीसीन उसकी भी एक तफसील है, लेकिन अल्लाह करीम ने भोली भाली भी करार दिया, पाक दामन भी करार दिया और मोमिना भी करार दिया। और ये क़यामत तक के लिए हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए ये तीन अल्लाह करीम ने डिग्रीज दे दी कि वो मोमिना भी है, वो भोली भाली भी है, वो पाक दामन भी है। और फिर साथ फरमा दिया कि जो कोई भी, जब कभी भी, जहां कहीं भी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर कोई तोहमत लगाएगा ना, लुइनु फिद दुनिया वल आखिरह, उसके ऊपर दुनिया और आखिरत में लानत कर दी गई। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, उनके लिए दर्दनाक, उनके लिए बड़ा अज़ाब है। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। यौम तशहदु अलैहिम अल्सिनतुहुम व अयदीहिम व अर्जुलुहुम बिमा कानू यअमलून, और जिस अज़ाब जिस दिन होना है उस दिन क्या होगा, इनकी ज़ुबानें और इनके हाथ और इनके पाँव खुद इनके खिलाफ गवाही देंगे। यौम तशहदु अलैहिम, उनके ऊपर गवाही देंगे, उनके खिलाफ गवाह होंगे। अलसिनातुहुम, उनकी ज़ुबानें, व अयदीहिम, उनके हाथ, व अर्जुलुहुम, उनके पाँव, बिमा कानू यअमलून, ये जो कुछ करते फिरे दुनिया में, जो कुछ होता फिरा, इनके खिलाफ इनके अपने जिस्मों ने गवाही देनी है। अल्लाह अकबर। यहाँ तो फरमाया ना कि उनके ज़ुबानें, उनके हाथ और उनके पाँव उसके साथ गवाही देंगे, तो वहाँ सूरह यासीन में फरमाया अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला ज़ुबान पे मोहर लगा देगा, मुंह सील कर देगा, और हाथ और पांव बोलेंगे और ये उसके खिलाफ गवाही देंगे। अल्लाह अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। एक हदीस में आता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसी की तशरीह कि बंदा अल्लाह ताला से कहेगा कि या अल्लाह, तू तो बड़ी रहमतें करने वाला, तो तू मेरे ऊपर जो गवाही लेनी है इधर उधर से गवाही लेने की बजाय मेरी अपनी गवाही ले ले। अल्लाह ताला फरमाएगा चलो मैं तेरी गवाही ले लेता हूं, और किरामन कातिबीन की गवाही ले लेता हूं, तेरे ऊपर तेरी और किरामन कातिबीन की गवाही ले लेता हूं। बंदा कहेगा ठीक। अब ये तय कर लेगा अल्लाह के साथ कि इधर उधर से गवाही नहीं लेनी, मैं खुद बता देता हूं या किरामन कातिबीन है, हम आपस में बात कर लेते हैं। इसका ख्याल होगा कि ये बात चल जाएगी। अल्लाह अकबर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फिर अल्लाह ताला फरमाएगा ठीक, तो फिर इसके अपने हाथ इसके खिलाफ बोलना शुरू हो जाएंगे, इसके अपने पाँव इसके खिलाफ बोलना शुरू हो जाएंगे, इसकी ज़ुबान इसके खिलाफ, इसकी जिल्द, इसका जिस्म इसके खिलाफ बोलना शुरू हो जाएगा, और ये हैरान हो जाएगा। और फिर कहेगा बुअदन औ सुहकन, ये अपने जिस्म को गालियां देगा कि मैं तुम्हारे वजह से, तो मैं सारा मामला तुम्हारा दिफा मैं सारी ज़िंदगी करता रहा, और यहाँ भी अल्लाह के दरबार में मैं तो तुम्हारा दिफा कर रहा था और तुम ही मेरे खिलाफ बोलना शुरू हो गए। तो गोया बुअदन और सुहकन, दूरी हो, लानत हो तुम्हारे ऊपर, जैसे एक बंदा कहता है दफ़ा हो जाओ, ये गालियाँ हैं। वो अपने ऊपर अपने जिस्म को गालियां देगा कि मैं सारी ज़िंदगी इसके लिए दिफा करता रहा। तो अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए, ये जिस्म जो है ये अल्लाह की अमानत है, ये हमारा नहीं है। वो जो कहते हैं ना मेरा जिस्म मेरी मर्जी, यहाँ कर ले मर्जी, लेकिन जिस्म उनका नहीं है, जिस्म अल्लाह का है, अल्लाह की अमानत है। और ये अल्लाह ताला ने इसी जिस्म को ज़ुबान दे देनी है और इसी जिस्म ने तुम्हारे खिलाफ गवाही देनी है, जिसको तुम मेरा जिस्म कहते रहे और मेरी मर्ज़ी करते रहे। मर्ज़ी तो तुम्हारी है, कर लो, लेकिन ये इस जिस्म ने तुम्हारा रहना नहीं है, ये तुम्हारे खिलाफ गवाही देगा। और अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए, जब इसने गवाही दी तो फिर वलहुम आदाबुन अज़ीम यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम व अयदीहुम व अर्जुलुहुम, जिस दिन गवाही देंगे उनके खिलाफ ज़ुबानें भी, हाथ भी, पाँव भी, बिमा कानू यामलून, ये क्या करते रहे इसके बारे में गवाही देंगे। यौम इज़िन युवफ़्फ़ीहिमुल्लाहु दीनहुमुल हक़, उस दिन अल्लाह ताला उनको पूरा पूरा देगा उनका बदला, अल हक़ जो उनका बनता होगा पूरा का पूरा। अल हक़ जो है इसका माना वयअलमून अन्नल्लाह हुवल हक़्क़ुल मुबीन, और वो जानते हैं कि अल्लाह वही हक़ है और वही हर चीज़ को वाज़े करने वाला। हक़ के दो माने होते हैं, एक तो हक़ का माना होता है सबूत या साबित शुदा। इसलिए मैं अक्सर अर्ज़ करता हूं कि जो हक़ होता है ना, अल्लाह भी हक़ है, अल्लाह का कुरान भी हक़ है, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात भी हक़ है। और जो हक़ है वो साबित होता है, साबित शुदा होता है। हक आप अपना सबूत होता, उसके लिए किसी खारजी दलील की ज़रूरत नहीं होती। लिहाजा कोई शख्स कहे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चा होने की कोई दलील दो, तो वो कोई खारजी दलील देने की ज़रूरत नहीं। उसको कहे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ लो, यही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चा होने की दलील है। जो कहे कुरान के सच्चा होने की कोई दलील दो, उसको कहे कुरान पढ़ लो, यही कुरान के सच्चा होने की दलील। इसके अलावा ये हक है। दूसरा इसका माना होता है आदल, के हक के साथ फैसला करना गोया आदल के साथ फैसला करना। जो किसी का हक बनता है वो उसका हुआ हक मिल जाना। तो हक का माना साबित भी होता है, हक का माना आदल भी होता है। तो यहां आप देखें यौमइज़िन युवफ़्फ़ीहिमुल्लाहु दीनहुमुल हक, उस दिन अल्लाह ताला उनका दीन का मतलब है बदला। हम पढ़ते हैं ना मालिक यौमिद्दीन, वो मालिक है बदले के दिन का। तो यौमइज़िन युवफ़्फ़ीहिमुल्लाहु, उस दिन पूरा पूरा अल्लाह ताला देगा उनको दीनहुम, उनका बदला, अल हक जो अदल के मुताबिक बनता होगा। एक बात। दूसरा इसका माना साबित, क्या मतलब कि वो जो उसको बदला मिलेगा साथ साथ फिल्म भी दिखाई जाएगी, साबित करके। ये नहीं है कि वो बैठा रहे कि पता नहीं मुझे किस चीज़ का बदला मिला और उसको यही ना समझ आए कि जनाब मुझे गुनाह तो थे पर इतने तो नहीं थे कि मुझे ये बदला मिले। नहीं, पूरा पूरा बदला मिलेगा और साथ उसको सबूत मिलेगा कि ये तुम्हारा बदला है, इन सबूतों के साथ। अल्लाह, ये जिस तरह से हम ये ट्रैफिक का जुर्म करते हैं ना, तो घर आ जाती तस्वीर। आजकल ई चालान होता है तो वो कैमरा खींच लेता है तस्वीर और वो तस्वीर घर आ जाती, ये सबूत के साथ लिखा होता है 500 रुपये जुर्माना, साथ तस्वीर लगी हुई है। फ़लाँ तारीख को इतने बज के इतने मिनट पे आपने फ़लाँ इशारा क्रॉस किया या फ़लाँ जगह से आप ओवर स्पीड थे, ये इस वजह से ये जना चलान हो। सबूत भी है, सज़ा भी है। युवफ़्फ़ीहिमुल्लाहु दीनहुल हक़, ये तो बंदों का बनाया हुआ निज़ाम है, इंसानों का बनाया हुआ निज़ाम है। अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम क्या होगा, वो सारा कुछ सामने नजर आएगा। वो जो सूरह कहफ में फरमाया ना, अल्लाह अकबर, व वुदिअल किताब फतरल मुजरिमीन मुशफ़िक़ीन मिम्मा फ़ीहि व यक़ूलूना या लैतना मा लिहाज़ल किताब ला युग़ादिरु सग़ीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। किताब उनके सामने रख दी जाएगी, खाता ये, इधर सजा, इधर जराइम की फहरिस्त। डरते डरते देखेंगे। व वुदिअल किताब फतरल मुजरिमीन मुशफ़िक़ीन मिम्मा फ़ीहि, मुजरिम डरते डरते यूं देखेंगे फिर हैरान हो जाएंगे। या लैतना मा लिहाज़ल किताब, ये कैसा खाता है, ये कैसी किताब है। ला युग़ादिरु सग़ीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, इसने हमारी ज़िंदगी की ना कोई छोटी बात छोड़ी है ना कोई बड़ी बात छोड़ी है, हर चीज़ ही उसमें मौजूद है। अल्लाह अकबर। तो दीनहुमुल हक के दोनों माने हैं, एक तो सबूत के साथ उनका बदला उनको दिया जाएगा और दूसरा ये कि उनको अदल के साथ जो उनका हक बनता है वो पूरा बदला उनको दिया जाएगा। वयअलमूना, उनको मालूम है, वो जानते हैं, अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला हुवल हक, अल्लाह ही अदल करने वाला है और अल्लाह ही साबित शुदा हकीकत है। इस कायनात में एक ही हकीकत है और अल्लाह की जात। सुभान अल-मुबीन, और वो वाज़े करने वाला है, जाहिर करने वाला है। जो चीज़ें हम छुपा लेते हैं उनको वो जाहिर करता है। यौम तुबल सरायर, क़यामत वाले दिन वो सारे राज बाहर फेंक देगा, हर चीज़ बाहर आ जाएगी, हर चीज़ वो दिखा देगा, देखो तुम्हारे साथ। वइज़ा सुहुफ नुशिरत, उस दिन जो सहीफ़े हैं, खाते हैं, वो फैला दिए जाएंगे। इसका एक माना तो यह है फैला दिए जाएंगे और दूसरा माना नशरत, नशर किए जाएंगे। नशर का माना फैला देना, ये ट्रांसमिशन जो होती है ना, ट्रांसमिशन, ये भी फैला देना। एक ट्रांसमीटर लगा होता है, आवाज़ वाला ट्रांसमीटर होता है रेडियो वालों का, आवाज़ वहाँ होती है, फैल जाती है पूरे इलाके में। अल्लाह, टीवी वालों का ट्रांसमीटर लगा होता है, वो पूरे इलाके में जो है वो फैल जाता है, उसकी वीडियो फैल जाती है। तो क्या ख्याल है जब अल्लाह ताला सहीफ़े फैलाएगा, वाइज़ा सुहुफ़ नुशिरत, क़यामत वाले दिन सारे सहीफ़े फैल जाएंगे, यौम तुबल सरायर, सारे राज बाहर आ जाएंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उस दिन पता चलेगा कि फ़लाँ मलक साहब, मौलवी साहब, सूफ़ी साहब, ये दुनिया में साहब बन के फिरते थे, असल हकीकत इनकी क्या थी। हर चीज़ सामने आ जाएगी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि, यानी वो जो उस जुर्म की जो सज़ा है वो एक अलग बात है। ये जो क़यामत के दिन की रुसवाई है, अल्लाह ताला महफूज फरमाए और अल्लाह ताला हमारे गुनाह इस तरह माफ़ कर दे कि जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा किया है कि अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमल्ला ज़म्ब लहू, कि जैसे गुनाह हमने किए ही नहीं, अल्लाह ताला इस तरह से माफ़ फरमा दे और बग़ैर हिसाब किताब के अल्लाह ताला हमें जन्नत अता फरमा दे। हिसाब लेने पे वो आ गया तो हम हिसाब देने योग्य है नहीं, हम तो आज सुबह से लेकर अब तक का हिसाब नहीं दे सकते, क्या किया, क्या देखा, क्या बोला, क्या सुना, अल्लाह, क्या खाया, क्या कहाँ से खाया, हलाल था कि हराम था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत ही मुश्किल हिसाब है और अल्लाह ताला से बस यही दुआ किया करें कि या अल्लाह बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत दे दे, हम तो हिसाब किताब के काबिल ही नहीं। जब हम ये दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह वो बग़ैर हिसाब किताब के दे देगा, उसको कोई परवाह नहीं है। सारे लोगों को जन्नत में डाल दे, उसको क्या परवाह है। सारे के सारे लोग, अव्वल इंसान से लेकर आखिर इंसान तक, सबको वो जन्नत दे दे। तो उसके ख़जाने में कोई कमी है, उसकी जन्नत कोई छोटी है, उसको कोई कमी नहीं है। फ़र्क ये है कि हम मांगने वाले तो हों, हम अल्लाह से मांगे तो सही, और उसके ख़जानों में कोई कमी नहीं है। वो फरमाता है जो मांगोगे मैं अता कर दूंगा, मेरे ख़जानों में फिर भी कोई कमी नहीं है। वो हदीस कुदसी आपने सुनी हुई होगी कि यकबारगी मांग लें, अव्वल इंसान से लेकर आखिर इंसान तक, अव्वल जिन से लेकर आखिर जिन। लव अन्ना, हदीस कुदसी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह फरमाता है लव अन्ना अव्वलकुम आखिरकुम जिन्नकुम इंसाकुम, अगर तुम्हारा अव्वल इंसान से लेकर आखिर इंसान तक, अव्वल जिन से लेकर आखिर जिन तक जो दुनिया में आना है, जो आ चुका, ये सब कामू फी सईदिन वाहिदिन, अगर ये एक मैदान में इकट्ठे हो जाएं, फसालूनी, और मुझसे यकबारगी मांग लें। अब देखिए, मांगने के लिए इंसान ने मुंह ही खोलना है ना। क्या मांग लें? जो किसी के दिल में आए मांग लें। अल्लाह अकबर। और अल्लाह ताला फरमाता है फिर मैं उसको दे फाता हम, मैं उनको दे दूं जो कुछ किसने मांगा है, मैं उनको दे दूं। तो फिर क्या होगा? अल्लाह के खजाने में कमी हो जाएगी। फरमाया कि वो मेरे खजानों में क्या कमी करेगी। मा नक़सा ज़ालिका मिम्मा इंदी, ये जो सारा कुछ, जो कुछ सब ने मांगा है, यकबारगी मांगा है, ये मेरे पास जो कुछ है मेरे ख़जानों में, ये कितना कम करेगा? फरमाया ये इतना कम करेगा, कमा नाकासल मिखिया तो इदा उदखिल, ये जो सुई है ना, जैसे ये समंदर में डाली जाए, सुई समंदर में डाली जाए, फिर वापस निकाल ली जाए, तो वो समंदर में से कितना पानी अपने साथ लाती है। अल्लाह अकबर, समंदर को क्या फर्क पड़ता है, वो सुई जो जितना पानी उसकी नोक के साथ कितना को पानी आ जाता है। फरमाया इतनी कमी हो जाएगी, असल में इतनी कमी भी नहीं होगी अल्लाह के खजाना। लिहाजा अल्लाह से मांगें, अल्लाह ताला क़यामत के दिन की रुसवाइयों से भी बचाए, और अल्लाह ताला हमें दुनिया आखरत की हर तरह की रुसवाइयों से बचाए। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आख़िरा। अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखरत की हर तरह की रुसवाइयों से बचाए। व आख़िरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا